Assalamualaikum. इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में और एक खजूरों के बाग के अंदर आया हूँ, जहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों का ही जो है वो सेटअप है खजूरों का। और यहाँ पे पीछे काफ़ी डिफरेंट किस्म की जो है वो खजूरों की जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये लोग जो है वो एक जो है वो खजूर का दरख्त प्लांट कर रहे हैं। जो ये देखें, ये जो सामने आपके रखा हुआ है, ये 2 साल का पौधा है खजूर का। ये देखें, ये इन्होंने उठा के दिखाया, ये तकरीबन 2 साल का पौधा है और इसे अब जो है वो ये यहाँ पे प्लांट करेंगे। ये देखें, ये 3 साल में फरेगा। अभी ये कितने साल का है? 2 साल का है। ये 2 साल का है। 2 साल का, और ये 3 साल मजीद लगेगा। 3 साल में इंशाल्लाह फल देगा। सही सही। दिस प्लेस आई लव दिस प्लेस फॉर अली बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ओके, दिस प्लेस एरिया। ओके, दिस एरिया प्लांट। अल-अरियाद इस्म, अल-अरियाद। ओके। और यहाँ पे पीछे जो है वो अजवा का जो दरख्त होता है वो छोटा होता है, तो पीछे यहाँ पे जो है वो अजवा के भी दरख्त हैं, अजवा भी। और यहाँ पे जितनी भी इनकी प्रोडक्शन है, आगे इन्होंने जो है वो सारी खजूरों की जो है वो जब खजूरें ये लोग निकाल लेते हैं तो सैम्पलिंग के लिए इन्होंने आगे रखी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उस वीडियो के अंदर। और क्योंकि अजवा जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर खजूर है, इसकी वजह भी ये है कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये हेल्थ के बेनिफिट से भी बहुत अच्छी है, और हदीस का मफहूम है कि जिसने 7 अजवा की खजूरें एक दिन में खाई तो उस दिन उसको जादू का असर नहीं होगा। और इसके अलावा जो है वो अजवा की जो सीड्स होती हैं उसका पाउडर जो है वो जो दिल की आर्टरीज होती हैं उनको, उनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी तरह इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो अजवा को पसंद फरमाया। और अजवा देखें, 2 तरह की होती है, एक अल खलील साइड पे होती है मदीने में, और एक जो है वो मस्जिद कुबा के पास वाली साइड पे होती है। तो जो मस्जिद कुबा की साइड वाली जो अजवा है वो जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये जो है वो ज़मीन है जहाँ पर अभी हमने विज़िट किया, सारी खजूरों की प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। देखें यहाँ पे जो जो खजूर जो है वो ये लोग उगा रहे हैं। ये देखिए, ये डिस्प्ले सेंटर बना, ये इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है अपना। ठीक है, ये सुकरी है अगर मैं गलत नहीं हूँ, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स की जो है वो खजूर हैं यहाँ पे। ये अजवा है, ये भी अजवा की एक काइंड है, ये थोड़ी सी छोटी है साइज़ के अंदर। ये मेरे ख्याल से अंबर है, ये पैकिंग के अंदर इनकी सारी खजूर है। अच्छा, हमारी ऑलरेडी नंबर स्टैंड में खजूर मौजूद है। अच्छा, हाँ जी, अजवा से ले गए, अजवा बिग से ले गए, अजवा हाँ क्यों। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़म, तो ये मोहम्मद आज़म साहब हैं, ये जो है वो मदीने में ही होते हैं और इनका जो है वो खजूरों का अपना सेटअप है, यहाँ पे खजूरों की प्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और ये इन्हीं का जो है वो डिस्प्ले सेंटर है जिसके अंदर अभी हम मौजूद हैं। और इन्होंने एक और चीज़ बताई कि कराची में भी जो है वो यहाँ से खजूरें जो है वो भेज रहे होते हैं, अगर कराची में भी चाहिए खजूरें तो ये डिटेल्स हैं, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो है वो खजूरें भी आप ले सकते हैं। जब कराची ये ऑफिस आ गया ना, जब वहाँ जाए मेरी बात से उनको ठीक है। ये अजवा पेस्ट, अजवा का वो हलवा बनाया हुआ खजूर। अच्छा, ये तेल है जैतून, ये अंबर का पेस्ट, ये अजवा पाउडर है जो होता है दिल के शरीर में और शुगर के लिए बड़े ज़बरदस्त।